जो बात कर रहे थे एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है एल्यू डिकम्पोजिशन का। अगर आपको क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो था ना, ए एक्स इक्वल टू बी, उस टाइप वाली मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना था, ठीक है, वहां पे आपको ए इनवर्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एलयू। एल क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड यू क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम एक ए मैट्रिक्स को उसके लोअर और अपर पार्ट में, मतलब दो मैट्रिक्स में तोड़ के उसको हम लिखते हैं, ये हमारा एलयू का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो एक किसी भी मैट्रिक्स को जो कि एक ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, उसको हम उसका एलयू डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, या दो मैट्रिक्स में तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा L11, या आपका पहले L है फिर U है, ठीक है, L11, L22, L33 और LNN, ठीक है। तो ऊपर आपका सब जीरो होगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर तो इसके नीचे L21, L31, L32 और ये आपका LN1, LN2 अप टू LNN, और ये आपका अपोजिट हो गया, U1, U22, जीरो आपका जीरो होगा, ये ऊपर से नीचे चलेगा, ठीक है, आपका जीरो होगा, U33, फिर U12, UNN तक, या आपका U2N तक, ये 1N, ये आपका UNN, ठीक है, आपका U3N। तो कुछ हमने ऐसे तोड़ लिया, तो ये हमारा L पार्ट है, ये U पार्ट है, ठीक है। हमने जो मैट्रिक्स हमने A की बात करी थी, उसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया, हर मैट्रिक्स के अंदर, इसमें हर मैट्रिक्स के अंदर n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये जो नंबर है, इतने अननोन्स हैं, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये एक के अंदर है, और टोटल नंबर ऑफ अननोन, अगर हम टोटल नंबर ऑफ अननोन की बात करें, तो ये तो एक l की बात कर लो, चाहे तुम u की बात कर लो, टोटल कितने होंगे, टू टाइम्स होंगे। तो टू टाइम्स हुए तो हमारा क्या हो गया, एन इंटू एन प्लस वन अननोन है। इन दोनों, इस पूरे को मिला के अगर हम बात करेंगे, तो हमारे एन इंटू एन प्लस वन अननोन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको याद रखना बेसिक। अब इसको क्वेश्चंस में हम कैसे लगाएंगे वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो अब थोड़ा डिटेल में अच्छे से बात कर लेते हैं एलयू डिकम्पोजिशन के ऊपर। मान लो आपकी A11, A12, A13, A21, A22 आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको अब आप तोड़ेंगे एल एंड यू में, ठीक है। तो आपको L में क्या होगा, L11, L22, L33, बाकी ये होंगे, यहाँ पे आपका जीरो हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपने अपर कर दिया, U11, U22, U33 एंड नीचे आपने जीरो कर दिया, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ अननोन की बात करें, यहाँ पे क्या होगा, तो वो तो बहुत सिंपल है, एन एन प्लस वन होता है, या इंडिविजुअली होगा तो उसको टू से डिवाइड कर देंगे, तो आपका थ्री, एन क्या ऑर्डर, तो 3 × 4 12 अननोन्स है, ये जो अननोन है, ये आपके टोटल 12 हैं, या एक मैट्रिक्स में ये जो आपके बने, ठीक है, तो ये आपका 6 है, इसमें 6 है। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस की अगर बात करें, वो हमारा फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारी होंगी 9, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारी बनेंगी 9। तो इन ये सब पॉइंट्स अभी कलेक्ट कर रहे हैं, इनको क्वेश्चंस में कैसे लगाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, तीन तरीके होते हैं, उनके नाम है डूलिटल, डूलिटल्स मेथड,
क्राउट्स मेथड एंड चोलेस्की मेथड, ठीक है, जिनकी मदद से पर्टिकुलरली हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं कि एल आई आई हमारा वन कर दिया, ये यू आई आई हमारा वन कर दिया, कुल मिला के देखें तो ये लगभग एक जैसे हैं। यहां पे हमने एल को पकड़ा है, यहां पे हमने यू को पकड़ा है, याद रखने के लिए क्या है आपका सी डी, ठीक है, इसके अपोजिट आपका सी पहले आता है तो उसमें आपने क्या कर लिया यू, यू बाद में आता है, डी पहले बाद में आता है, उसके लिए आपने एल रख लिया, ठीक है। तो आपने एल को वन किया, इसको वन किया, तो आपका फिर मैट्रिक्स कैसे बनेगी, फॉर सपोज तो ये तो आपकी वन हो गई, यहाँ पे आपका है एल टू वन, एल थ्री वन, एल थ्री टू, बाकी आपके जीरो आ गए। U वाली मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी, U टू टू, U थ्री थ्री, जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपकी ये मैट्रिक्स ऐसी रहेगी, L टू टू, L थ्री थ्री, ठीक है, जीरो जीरो जीरो, ये आप लिख सकते हैं, और ये वन 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 हो गया आपका, जीरो जीरो जीरो, ये आप लिख सकते हैं, U वन टू, U वन थ्री एंड U टू थ्री, ठीक है। ये तो आपके दो मेथड्स हो गए। यहाँ पे क्या है कि हमको क्या करना है, नंबर ऑफ अननोन जो थे ये कितने थे, अब हो गए थ्री, यहाँ पे थ्री हो गए और यहाँ पे भी थ्री हो गए, ठीक है, हमने कम कर दिए, तभी तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना। और तीसरा मेथड है वो कहता है कि अगर A हमारा सिमेट्रिक है, वो हमारा तभी लगेगा, अगर A हमारा सिमेट्रिक है तो ये मेथड कहता है कि हमारा A जो होगा वो L इंटू L ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है, ये जो L है ये L इंटू L ट्रांसपोज या U इंटू U ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अब आप कहेंगे कि एक बात करते हैं कि LU मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, मतलब हर A के लिए उसकी LU मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है, श्योर थोड़ी होगी, कोई भी मैट्रिक्स आपने ले ली A, उसको आप L और U दो अलग अलग मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर दो कंडीशंस आ गई, तो उनको देख लेते हैं हम, दो कंडीशंस क्या कहती हैं, हाँ, पहली कंडीशन क्या कहती है, LU डिकम्पोजिशन आपका फेल कर जाएगा अगर L या U किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आपका डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट है एलिमेंट अगर आपका जीरो हो जाता है, ठीक है, तो बात करते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, मतलब ये किसी भी केस में एक डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये जीरो हो गया तो वहां पे आपका एल्यू मैट्रिक्स फेल कर जाएगी और आप ए को एल्यू में तोड़ नहीं पाएंगे। और LU डिकम्पोजिशन A का एग्जिस्ट करेगा इफ A इज अ पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट एक वर्ड है, एक कॉन्सेप्ट है, अगर A आपका पॉजिटिव डेफिनेट है, अगर A आपका पॉजिटिव डेफिनेट है तभी A मैट्रिक्स के लिए उसका LU डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करेगा। तो अभी आपने जस्ट देखा कि पॉजिटिव डेफिनेट अगर ए आपका होगा तो ही उसका एल्यू डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब मैंने ये तो बता दिया, पर आपने ये तो पूछा नहीं, आपने शायद सोचा होगा कि पॉजिटिव डेफिनेट है क्या असल में, या ए पॉजिटिव डेफिनेट कब हो सकता है। तो ए पॉजिटिव डेफिनेट तब हो सकता है, उसको हम सही से सुनेंगे, लीडिंग माइनर्स जो ए के होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। अब माइनर्स तो पता रहा, लीडिंग माइनर्स क्या होते हैं, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट के अराउंड जो माइनर होते हैं, जो मेन सबसे वन क्रॉस वन का माइनर, मतलब आपका ए वन वन सबसे पहला माइनर है, ठीक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। एंड आपका जो ये ए, ठीक है, मैंने इसलिए इनको अलग कलर से लिखा है, ये जो माइनर है ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और फिर तो बकायदा डिटरमिनेंट ही आ जाता है, ठीक है।
और फिर तो बकायदा ये जो टोटल है ये तो पूरा डिटर्मिनेंट ही इसको बोलेंगे, तो ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो आपका पॉजिटिव डेफिनेट होगा और इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेट। और अगर ऐसा है तो आप लीडिंग माइनर सॉरी एलयू में उसको तोड़ सकते हैं, उस ए मैट्रिक्स को उसके एल और यू पार्ट में आप तोड़ सकते हैं, उसका एलयू डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट करेगा। तो अब बात करते हैं कि एलयू के बारे में बेसिक्स तो हमने बहुत देख लिए, पर हम क्वेश्चंस और एलयू को पर्टिकुलरली लगाते कैसे हैं तो वो हमने नहीं देखा। तो बहुत सिंपल है, हम जो क्राउड्स मेथड था, चोलेस्की मेथड था, जो भी ऊपर मेथड थे उसमें से एक मेथड हम ले लेते हैं। तो हमने एक मेथड लिया जो सबसे ऊपर वाला था, जिसमें कि एल आई आई को हमने वन ले लिया था, ठीक है। तो एल टू वन, एल थ्री वन, एल थ्री टू, जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे हमारा पूरा रहेगा यू वन वन, यू टू टू, यू थ्री थ्री, जीरो जीरो जीरो, एंड यू वन टू, यू वन थ्री, एंड यू टू थ्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने L सॉरी फिर से यू आई आई लिया होता वन, तो फिर हमारा जो बड़ी वाली मैट्रिक्स थी वो हमारी आती L, पर अभी हमारी कौन सी है, वो है U की मैट्रिक्स, जिसमें ज़्यादा नंबर, जिसमें मोर नंबर ऑफ अननोन है, ठीक है। ये बस मैंने इंडिकेट करने के लिए दिखाया है, ये है नहीं, ये बीच में, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। मोर नंबर ऑफ अननोन हम देखेंगे, मोर नंबर ऑफ अननोन किस में, वो U में है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे हो सकता है, अगर ये 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 जीरो हो जाए तो वो हो सकता है। तो हम इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। R2 में अगर हम R2 माइनस टू टाइम्स R1 कर दें तो क्या आएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि 215 एज इट इज रहेगा, 627 31 एज इट इज रहेगा, ठीक है। 4 माइनस 2 0, 8 माइनस 2 6 एंड 13 माइनस 10 3, तो आपका ये आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये तो 0 हो गया, अब हम इसको 0 बनाएंगे। तो R3 में हम अप्लाई करेंगे R3 माइनस 3 टाइम्स R1, ठीक है। तो हमने ये अप्लाई कर दिया, अब हम देखेंगे हमारा क्या हो सकता है। तो R1 R2 को तो एज इट इज लिख देंगे, तो 6 माइनस 6 0 और 3 टाइम्स था, तो ये 24 एंड दिस इज 16, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात बनी, अब उसके आगे भी देखना है हमको। अब हम फिर से अप्लाई करेंगे R3 में, R3 हमको ये 0 करना है, तो ये 6 प्रोजेक्ट 24, तो R3 माइनस 4 टाइम्स R2, ठीक है। तो हमारी बात बन गई, 215 0 6 3 0 0 और कितना था 4 टाइम, तो 16 माइनस 12 इज 4। तो अब हमारी ये, हम यहाँ से लेकर वहाँ, हमारी ये मैट्रिक्स तो जैसे तैसे सॉल्व हुई, ठीक है। तो कंपेयर करके अब हम बता सकते हैं, या अब हम लिख सकते हैं फाइनल जो हमारा ए आया वो हमारा ऐसा आया, ठीक है। तो लगभग हमको सारे पता है, अब हमको L21, L31 और L32 नहीं पता है, ठीक है, और वो हमको पता भी नहीं चलेंगे। कोई मेथड है, कुछ दिख रहा है, कुछ बचा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। देखो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी और सिंपल सी बात है, ये जो कोफिशियंट्स हैं इस पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो ये जो L21 होता है, जब आप R2 में रो में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और जो जिससे आप माइनस करते हैं, ठीक है, जो सेकंड वाला जो होता है रो, उसका जो कोफिशियंट रहता है वो आपका L21 की वैल्यू होती है, मतलब 100101, आपका L21 होगा 2, ठीक है। ऐसे जो थर्ड रो में आपने दो किए थे, ये और ये, एक बार 3 था एक बार 4, तो ये आपका आ गया। बाकी इसको तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो इससे मैं क्या बताना चाह रहा था, इसको समराइज करते हैं बहुत अच्छे से, बड़े बड़े में आर आई कोई भी रो में आप जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो माइनस
दूसरी रो से लगाएंगे, और यहाँ पे एक टर्म होगा अल्फा, तो वो जो आपका अल्फा होता है वही आपका एल टू वन, एल थ्री वन और एल थ्री टू की वैल्यूज देगा। तो ये हमको याद रखना है। अगर हम यही चीज अपर मैट्रिक्स वाले हिसाब से करते, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझेंगे आप, कि अगर हम ये लेते क्राउड्स मेथड लेते, ठीक है, यू वन टू, यू वन थ्री एंड यू टू थ्री, तो क्या होता, तो आप फिर इसमें इनको जीरो बनाते आप, ठीक है, तो वहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते तो वो आपकी जो वैल्यू आती है, तो फिर वो आपकी यू वन टू, यू वन थ्री एंड यू टू थ्री की वैल्यू ऐसे आती, सॉरी आप ट्रांसफॉर्मेशन किस में लगाते हैं, एल में लगाते हैं, ठीक है, एल वाले को आप ऐसे बनाते जीरो जीरो, ठीक है, तो फिर आपकी ये आती, अभी आपकी ये वैल्यू आई है आर आई में, आर आई माइनस एल्फा टाइम्स आर जे, तो जो आपकी एल्फा वैल्यू होगी हर रो के लिए, ठीक है, सेकेंड रो के लिए आपका एक बार हुआ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपकी वैल्यू आ गई वो टू आ गई, ठीक है, फिर थ्री दो बार हुआ, थ्री और फोर एल्फा आपका था तो वो आ गई, ठीक है, तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और थोड़ा सा डिफरेंट और अलग तरीके का मेथड है, ज़्यादा यूज नहीं होता है, पर फिर भी हमने देख लिया, एक्स्ट्रा टॉपिक है, आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। एक हम न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल का, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं, जस्ट ये सेकेंड एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, जो एक्स्ट्रा वाली प्ले वीडियो रहेगा, और एक और आएगा थर्ड, ठीक है, तो इसके तीन पॉइंट्स है। इफ एफ ए इज इक्वल टू जीरो देन वी से दैट पॉलिनोमियल एफ एक्स एनिहिलेट्स द मैट्रिक्स ए, ठीक है, मतलब क्या है कि एक पॉलिनोमियल होगा, जैसे कि पॉलिनोमियल है, अगर इसको हम मैट्रिक्स ए में रखते हैं तो वो मैट्रिक्स ए जीरो के इक्वल आ जाती है, तो हम बोलेंगे कि अगर मतलब एफ ए जो है, ठीक है, हम एफ ए अगर जीरो के इक्वल ले आते हैं तो हमारा जो ये पॉलिनोमियल एफ एक्स है वो मैट्रिक्स ए को एनिहिलेट करता है। प्रॉपर मीनिंग इसका देखेंगे नीचे, मतलब इसका यूज क्या है, फिर देखेंगे मोनिक पॉलिनोमियल द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो है वो वन होना चाहिए, तो हमारा वो मोनिक पॉलिनोमियल होता है, जैसे कि एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, इंडिविजुअली ये मोनिक पॉलिनोमियल है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। फिर आता है मिनिमल पॉलिनोमियल, तो वो दोनों जो ऊपर की जो दोनों कंडीशन है, ये मिनिमल पॉलिनोमियल की खासियत क्या है, वो दोनों कंडीशन को एक साथ ले लेता है, ठीक है, इसमें वन भी आ जाती है, टू भी आ जाती है, ओके, लोएस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल एंड एनिहिलेट्स द मैट्रिक्स ए, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, एक मैट्रिक्स ए है 3x3 की, उसके आइगन वैल्यूज है 1 1 3, मतलब उसका आइगन वैल्यूज है मतलब कि रूट्स है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि वन रिपीट हो रहा है, एक्स माइनस थ्री, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये आइगन वैल्यूज हैं, तो एफ ऑफ ए हमारा जीरो के इक्वल होगा ही होगा, तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर वाली जो है वहाँ पे क्या है, मोनिक पॉलिनोमियल नहीं बनना है, क्योंकि स्क्वायर आ गया, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स शुड बी वन, नीचे वाला है, तो आपका जो नीचे वाला होगा ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा दोनों में से, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 4x4 है, 1 2 2 3, तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर की बात करी, पर हमें पावर वन चाहिए, तो हमारा नीचे वाला होगा, इफ सपोज ये नीचे वाला एनिहिलेट नहीं कर रहा है, मतलब इसके लिए एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है, तो फिर कंडीशन चेंज हो जाएगी, तो हमारा ये होगा उस केस में, तो सबसे पहले तो हमारा एफ ऑफ ए जीरो के इक्वल हो, उसके बाद जो हमारा है, सॉरी फिर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा टू आ जा रहा, तो नहीं होगा, तो मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दोनों कंडीशन को, सबसे पहले एफ ऑफ ए और दूसरा दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, दूसरा ये कि वो अपने आप में एक मोनिक पॉलिनोमियल हो। थोड़ा सा मैं अपने पॉइंट्स को क्लियर करना चाहता हूं, और एक चीज और आपको एडिशनल बताना चाहता हूं, ठीक है, तो हाँ, अगर इसके लिए नीचे वाले के लिए एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब एनिहिलेट नहीं कर रहा है, तो हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल होगा ऊपर वाला, हाँ ये है वो पॉसिबल हो सकता है, अगर x माइनस टू का स्क्वायर है तो भी हो सकता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोएस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं है कि वन के इक्वल होगा तभी होगा, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, अब
अगर हम कहते हैं एनिलेट नहीं कर रहा है, या फिर हमारे पास फैक्टर ही मौजूद नहीं होते, हम अगर कहेंगे एक्स माइनस वन, सिर्फ एक्स माइनस वन या फिर एक्स माइनस थ्री, इस केस में ये मिनिमल पॉलिनोमियल होंगे कि नहीं होंगे, तो इसका आंसर है सीधे सीधे नहीं, क्योंकि बोथ ऑफ द फैक्टर्स कंटेन करना चाहिए तभी एनिलेट करेगा। मतलब एक्स माइनस वन एटलीस्ट होना चाहिए, भले ही एक्स माइनस वन का स्क्वायर नहीं हो, एंड एक्स माइनस थ्री भी होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि वन फोर फाइव टू सिक्स ऐसा है, तो एक्स माइनस वन और फोर दो बार है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस सिक्स एंड एक्स माइनस फोर का स्क्वायर, या आपके फैक्टर से इतने सारे। अगर हमसे कह दिया जाए कि एक्स माइनस वन दे दिया हमको, एक्स माइनस फोर दे दिया एक बार, एक्स माइनस फाइव दे दिया, तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स माइनस सिक्स मिसिंग है। तो एटलीस्ट हर एक रूट का एक पार्ट होना चाहिए, भले स्क्वायर वाला हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर सिंगल पार्ट हमारे पास होना चाहिए। तो इसमें एक्स माइनस सिक्स मौजूद नहीं है, तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, हाँ एक्स माइनस टू का स्क्वायर है वो हो सकता है, अगर ये एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वरना हम सबसे सबसे लो वाला देखेंगे, पहली चीज हम सबसे लो वाला देखेंगे, लेकिन उसमें सारे रूट्स कंटेन होने चाहिए। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ पे खत्म होता है।